हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप सब लोग बहुत ही सेफ है, सिक्योर है इन योर हाउसेस, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे केसेस बढ़ रहे हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग सेफ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज डिस्कशन. आज हमारे पास कुछ न्यू टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए दैट वी विल बी टेकिंग अप. सो बेसिकली एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अबाउट ब्रह्मोस. ओके, so we'll be talking about BrahMos today because India और Philippines दोनों countries के बीच में एक agreement sign हुआ है, okay, in which India will be selling BrahMos to Philippines. So yes, अगर ये agreement fruitful होता है, materialize होता है, तो India will become exporter of defense equipment. So this is a very nice article that we will be discussing. So stay tuned with me till the end of the discussion. एंड स्टार्ट करने से पहले वन थिंग दैट प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन गाइज, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम रीच आउट कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके, राइट. एंड वन मोर थिंग बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, दोज हैव जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम हिमानी सूरी, वेलकम वेलकम. एंड यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स की आसियान कंट्रीज कौन सी है, विच आर द आसियान कंट्रीज, ये चीज आप मुझे बताओगे. मैं आपको इतना बता रही हूँ कि 10 कंट्रीज हैं आसियान ग्रुपिंग में, तो वो कौन सी 10 कंट्रीज हैं, राइट. दिस इज वन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी जो है, इसकी बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से हैं, दिस ऑल्सो यू आर गोइंग टू टेल मी इन द चैट बॉक्स. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वंस अगेन. देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, Aligning a Missile Deal with Destination Manila. ठीक, हर्षवी पंत का ये आर्टिकल है. ये काफी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं एट टाइम्स, विच आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है अलाइनिंग मिसाइल डील वाला विल बी रेलिवेंट फॉर योर जीएस पेपर थ्री. जीएस पेपर थ्री में एक सिक्योरिटी टॉपिक है आपका, सिक्योरिटी टॉपिक से रिलेटेड है ये आर्टिकल. ओके, एंड जीएस पेपर टू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर इंडिया फिलीपींस रिलेशंस. नो नो नो, इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आसियान, करेक्ट. दीपक, वेरी नाइस. एक तो ये आर्टिकल गाइस डिस्कस करेंगे, दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं, तो एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी निकल के आएंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है. ओके, हाउ दिस पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग की पॉलिसी है, कैसे वो हेल्प की है टू आर इकोनॉमी, सो दिस वी विल बी डिस्कसिंग, राइट. और इफ वी गेट टाइम वी विल डिस्कस अनदर आर्टिकल विच इज बेस्ड ऑन प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स. ठीक है, इसी में ही इंडिया आज के द हिंदू में ही प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स पे एक और आर्टिकल आया है. So we will try to discuss all the three articles. Let's get started. Okay. देखो जी, सबसे पहले तो फिलीपींस की लोकेशन देख लो, क्योंकि हम फिलीपींस से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिलीपींस ऑन योर स्क्रीन. तनीमा दे एंड सो मेनी पीपल आर गिविंग आंसर्स. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आदिल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. फिलीपींस देखिए, यहाँ पे कौन कौन सी बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज हैं. तो फिलीपींस के वेस्ट में आप देख रहे हो साउथ चाइना सी है, जिसमें जिसके जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ साउथ चाइना सी, इसको लेके डिस्प्यूट है बिटवीन फिलीपींस एंड सो मेनी अदर कंट्रीज विच बॉर्डर साउथ चाइना सी और चाइना. चाइना की जो 9-line है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो भी रेलिवेंट हो जाता है if you are discussing this, right. So you can see this is Manila. Manila is the capital of Philippines, or Philippines ke east mein hai Philippines Sea. Okay, yahan pe ek Sulu Sea hai, isse related bhi kabhi kabhi question aa jata hai exam mein, Sulu Sea kahan hai. Theek hai, this is Mindanao Sea. Mindanao Sea in the south of Philippines. So Philippines is basically a set of islands. Theek hai, hame ye samajh aa gaya. Okay, yeah, so this is one, and this is your South China Sea. और जैसे मैंने अभी आपसे question पूछा कि कौन कौन सी bordering countries हैं South China Sea पे, तो ये हम देख लेते हैं. ये आप देख रहे हो, so this is your South China Sea. यहाँ पे आपको दिख रहा है पहली country वियतनाम, second
ताइवान भी पार्ट ऑफ चाइना ही है, बट ताइवान से दैट इट इज अ इंडिपेंडेंट नेशन. ठीक है, थर्ड हो गई फिलीपींस. ओके, फिर फोर्थ हो गई मलेशिया. मलेशिया ब्रुनेई. ओके, ब्रुनेई, ब्रुनेई भी है. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट किया. तो इसमें आप देख रहे हो, करेक्ट आदिल. तो इसमें आप देख रहे हो देयर इज अ नाइन डैश लाइन. क्या है ये नाइन डैश लाइन, क्यों कहा जाता है इसको नाइन डैश लाइन? क्योंकि इसमें आपको नाइन डैशेस दिख रहे होंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये पूरे नाइन डैश लाइन के बीच का जो वाटर है ना, ऑल दिस एरिया ऑफ साउथ चाइना सी, ये चाइना क्लेम करता है कि भैया ये तो हमारा है. ठीक है, चाइना इज चाइना, वो जो मर्जी क्लेम करे. ओके, सो ऑल दीज कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ऑल दीज कंट्रीज, ताइवान इंक्लूडिंग, ये कंट्रीज हमेशा से बहुत परेशान है चाइना से कि भैया इनको जो चाहिए, इनको पता नहीं क्या ही चाहिए. वट एवर इट वॉन्ट्स, इट सेज दैट इट इज ऑन द हिस्टोरिकल ग्राउंड, वो क्लेम कर लेता है चाइना की ये तो हमारा एरिया है. वाई इज चाइना सो इंटरेस्टेड इन साउथ चाइना सी? बिकॉज दिस साउथ चाइना सी इज सो रिच इन मिनरल्स. ठीक है, पहली बात तो ये मिनरल्स रिच में बहुत रिच है. यस 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 सुनील, कमिंग टू दैट. तो यहाँ के जो आपको पैरासल आइलैंड दिख रहे हैं, पैरासल आइलैंड, ये जो स्प्रैटली आइलैंड दिख रहे हैं, छोटे 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 डॉट्स जो दिख रहे हैं, दीज आर स्प्रैटली आइलैंड, पैरासल आइलैंड, ये हमेशा न्यूज में रहते हैं, ऑलवेज. ओके, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स. अच्छा चलो, ये समझ लिया हमने. नाउ नेक्स्ट, अब शुरू करते हैं आर्टिकल. तो भैया आर्टिकल में ये हुआ है दैट इंडिया एंड फिलीपींस हैव एंटर्ड इनटू एन इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट. ओके, इट विल, इट हैज एंटर्ड इन एन इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट. इंप्लीमेंटिंग अग्रीमेंट फॉर व्हाट? फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट. ठीक है, तो ये अगर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर ये मटेरियलाइज हो जाता है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है, जो आपको फर्स्ट में स्क्रीन पे दिखी. ओके, दिस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ लिखा है वर्ल्ड्स बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. ठीक है, तो सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है, फटाफट बताओ चैट बॉक्स में. वाई वाई द वर्ल्ड सुपरसोनिक क्या मतलब है, एनीबडी? या तो अगर ये अग्रीमेंट मटेरियलाइज हो जाता है, क्योंकि फिलीपींस ने बहुत ही क्लियरली विदाउट एनी डाउट कह दिया दैट वी आर प्रोक्योरिंग ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया. ओके, सो इंडिया बन जाएगा डिफेंस एक्सपोर्टर, जो हमारा हमेशा से ड्रीम है कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट करना शुरू करें. ओके, सो फिलीपींस डिफेंस सेक्रेटरी एक्नोलॉजेस द आर्किपेलागिक कंट्रीज. इसको कहा जाता है फिलीपींस आर्किपेलागो. ओके, इसलिए आर्किपेलागिक कंट्री लिखा हुआ है. द डील शैल बी ग्रेट सिग्निफिकेंस एट द सेम टाइम. तो इस आर्टिकल में हम सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ चैलेंजेस हैं इस डील को लेके, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ब्रह्मोस. ये प्रिलिम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि ब्रह्मोस है क्या. ठीक, प्रिलिम्स से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. साउंड की स्पीड से ज्यादा. ओके, तो पहली बात तो जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, दिस इज द फर्स्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू एंटर सर्विस विद अ स्पीड ऑफ मैक 2.8. ये मैक 2.8 क्या है? मैक 2.8 का मतलब है 2.8 टाइम्स ज्यादा दैन द स्पीड ऑफ साउंड. 2.8 टाइम्स मोर दैन स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, इसलिए इसलिए नाम है सुपरसोनिक. जो हाइपरसोनिक होता है वो होता है फाइव टाइम्स ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड से. ठीक है, तो पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल बनती थी उसकी रेंज वॉज 290 किलोमीटर, बट न्यू वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल विच हैज बीन क्रिएटेड, उसकी रेंज है अबाउट 400 किलोमीटर. ठीक है, तो इस पर काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो नई वर्जन आएगा ब्रह्मोस मिसाइल का, उसका रेंज और भी ज्यादा हो सकता है. कितना? इट कैन गो एज हाई एज 1500 किलोमीटर. ठीक है, और उसकी स्पीड भी और भी ज्यादा हो सकती है वंस जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है ब्रह्मोस मिसाइल पे वो पूरा हो जाता है तो. ठीक है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो हमें समझ आ गया. अब आगे बात ये है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आगे ये बात है कि कौन बना रहा है? क्या इंडिया अपने आप बनाता है? नो, इंडिया का जो डीआरडीओ है, हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, विद
रशिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्शियम एनपीओ, माशिनोस्ट्रोया ट्रोयेनिया, ओके कुछ थोड़ा अजीब सा नाम है, तो अब इसको हम क्या लेंगे, एनपीओएम रशियन नेम है ऑब्वियसली, तो डीआरडीओ का रशियन काउंटर पार्ट ये दोनों मिलके बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ओके तो इंडिया रशिया दोनों मिलके बनाते हैं, दिस इज अ मेजर कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, राइट। तो ब्रह्मोस ये तो कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा था कि ये ब्रह्मोस का जो नाम है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम, सो द सिग्निफिकेंस इज ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, और कुछ लोग लगता है कि दिस मोस इज मॉस्को, नो मॉस्को इज द कैपिटल सिटी, नो ब्रह्मपुत्र रिवर जैसे इंडिया में है वैसे एक रिवर है मॉस्क्वा, मॉस्क्वा रिवर, आई एम नॉट श्योर इफ द स्पेलिंग इज करेक्ट, एक बार चेक कर लेना, तो मॉस्क्वा रिवर है रशिया की और ब्रह्मपुत्र रिवर है इंडिया की, इन दोनों के नाम से बना है ब्रह्मोस, ठीक। तो दिस इज होल प्रिलिम्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मोस जो आपको अभी मिल चुकी है, यस यस यस, और एनपीओएम रशिया का है, तो डीआरडीओ प्लस एनपीओएम दोनों मिलके बना रहे हैं, वेरी गुड, ओके। 1990s से रिसर्च चल रही है ब्रह्मोस की और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आते जा रहे हैं ये कंपनीज, तो ड्यू टू द हाई वेलोसिटी, जैसे हाई वेलोसिटीज है, एक और फोर्थ पॉइंट मैं आपको ऐड करवा दूं यहाँ पे ब्रह्मोस से रिलेटेड, यहाँ पे मैं आपको फोर्थ पॉइंट ऐड करवा रही हूँ कि इसको लॉन्च कहाँ से किया जा सकता है, इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है लैंड से, सबमरीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से भी, एयरक्राफ्ट से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है, ओके तो लैंड बेस्ड भी हो सकती है, सबमरीन से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं, ships से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, ओके तो ये आपको क्या बताता है कि बहुत ही मल्टीपर्पज, यस यस यस, बहुत ही मल्टीपर्पज मिसाइल है ना, क्योंकि कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो, इसीलिए अब हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों ने अपनी जो इनकी विंग होती है उसमें इंक्लूड कर लिया है ब्रह्मोस की मिसाइल को, क्योंकि एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, नेवी के लिए सबमरीन शिप से भी, और लैंड के लिए आर्मी, ठीक है जी, ओके। सो राइटर सेज ड्यू टू द हाई वेलोसिटी सर्फेस टू एयर मिसाइल S2A सर्फेस टू एयर मिसाइल है, वोंट बी एबल टू इंटरसेप्ट द ब्रह्मोस मिसाइल वाइल मेकिंग इट इजियर फॉर इट्स टू टारगेट एंड न्यूट्रलाइज एडवांस फाइटर जेट सच एज चाइनीज J-20। ये कहा जा रहा है कि चाइना के कुछ जो फाइटर जेट्स हैं उनको अगर अटैक करना हो तो ये ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी यूजफुल आ सकती है, क्योंकि जो चाइनीज की J-20 फाइटर जेट्स हैं उनकी स्पीड Mach 2 से भी कम है और इसकी स्पीड है Mach 2.8, ठीक, तो स्पीड ज़्यादा है तो जल्दी से जल्दी उनको अटैक कर सकती है, और ये मैंने आपको बताया कि एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि Mach 5 और 1500 की रेंज अचीव की जा सके। इट वॉज इंक्लूडेड, ये 6th पॉइंट है आपका, कि ब्रह्मोस नेवल वेरिएंट यानी कि नेवी में इंक्लूड किया था 2005 में, आर्मी में इंक्लूड किया था 2007 में, एंड आफ्टर 10 ईयर्स एयरफोर्स ने भी इंक्लूड कर लिया है इन 2017। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी 2-3 साल पहले ही कि ब्रह्मोस इंक्लूड हो गया है इंडियन एयरफोर्स में बाई इंडियन एयरफोर्स, और इनका जो सुखोई 30 MKI जो फाइटर जेट है उससे इसकी टेस्टिंग भी हो गई है ब्रह्मोस मिसाइल की, ठीक है, क्लियर हो गया ये, ओके क्लियर एवरीबडी, यस राइट, जिसको टाइम नहीं पता है तो 12 PM होती है रोज, ओके तो यहां तक तो हमें बैकग्राउंड समझ आ गया, हमारा जो बैक टू बेसिक्स वाला पोर्शन है दैट इज ओवर, नाउ मूविंग ऑन टू द गोल ऑफ एक्सपोर्ट, कि इंडिया क्या एक्चुअली डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है, तो ब्रह्मोस एडवांस्ड एंड पावरफुल कैपेबिलिटीज नॉट ओनली ऑगमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन मिलिट्री, क्यों, इंडियन मिलिट्री को तो स्ट्रेंथन करता ही है, बाकी इंडिया अगर एक्सपोर्ट कर सकता है तो इंडिया का जो टारगेट है, टारगेट टू अचीव $5 बिलियन इन डिफेंस एक्सपोर्ट, हमारा क्या टारगेट है पता होना चाहिए ये, ठीक है, सीधा सीधा स्टेटमेंट बनती है प्रिलिम्स में, और इसको अगर आप मेंस के आंसर्स में भी लिखते हैं तो इट विल बिकम वेरी यूजफुल, ओके तो $5 बिलियन का टारगेट है कि हमें $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है बाय 2025, ओके। कंट्रीज सच एज वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, UAE,
अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये सभी कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं इंडिया का ब्रह्मोस खरीदने में. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. इट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट. अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो फिलीपींस एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि बाकी कंट्रीज भी खरीदें. ठीक, अब समझते हैं इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट या फिर जिसको हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होता है. देखो, फिलीपींस बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट ब्रह्मोस, वुड कॉशन चाइना. अब फिलीपींस एक्चुअली हुआ क्या है, एक और इसकी एक बैकग्राउंड न्यूज मैं आपको बताऊं. क्या बैकग्राउंड न्यूज मैं आपको बताऊं, जनवरी 2021 में, इसी साल की जनवरी में, चाइना ने एक लॉ पास किया था. ठीक है, चाइना ने एक लॉ पास किया जिससे चाइना के जो कोस्ट गार्ड फोर्सेज होते हैं ना, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, वैसे ही चाइना के कोस्ट गार्ड को ये पावर्स दी गई अंडर दिस लॉ कि दे कैन ओपन फायर ऑन द फॉरेन वेसल्स. दे कैन ओपन फायर, अगर जरूरत पड़े दे कैन ओपन फायर ऑन द फॉरेन वेसल्स. तो अभी फिलीपींस बहुत ज्यादा वो हो गया, अलर्ट हो गया कि भैया चाइना क्या करने वाला है, क्यों ऐसे लॉज पास कर रहा है. तो फिलीपींस को लग रहा है कि अपने डिफेंस के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा. ओके, तो फिलीपींस इज दस इट इज कमिंग इन टू दिस अग्रीमेंट विद इंडिया. चाइना हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट आसियान कंट्रीज अक्वायरिंग डिफेंस सिस्टम सच एज ब्रह्मोस. ऑब्वियसली चाइना क्यों चाहेगा, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा. चाइना ने हमेशा से अपना ऑब्जेक्शन जताया कि कोई भी आसियान कंट्रीज डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया से इम्पोर्ट ना करें. ओके, तो चाइना की वजह से जो भी कंट्रीज सप्रेस्ड फील कर रही है, प्रेशर में फील कर रही है, अब वो इंडिया की तरफ देख रही है इफ इंडिया कैन हेल्प इन देयर डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है जी, ओके ओके ओके, स्लो चलते हैं. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके. तो यहां तक हमने ब्रह्मोस के बारे में बेसिक समझ लिया, और यहां तक हमने इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ये है कि चाइना ने ये बिल पास किया है. हाँ जी, तट सुरक्षा बल जिसको हम कहते हैं, करेक्ट, चाइना ने बिल पास किया है. और चाइना हमेशा से ऑब्जेक्ट करता है कि बाकी आसियान नेशंस इंडिया से क्या ना खरीदे, ब्रह्मोस या फिर और भी डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीदे. अब इसकी अच्छी बातें क्या है, एडवांटेजेस आप खुद सोच सकते हो क्या क्या एडवांटेजेस हैं या फिर क्या क्या इसके प्रोज हैं. पहली बात तो अगर ये होता है तो इंडिया बन जाएगा डिफेंस एक्सपोर्टर, इंडिया का जो आत्मनिर्भर वाला सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा. ठीक है, द फिलीपींस हैज डिसाइडेड टू बाय ब्रह्मोस, हाउएवर मनीला डील इज अ मेजर इशू एग्जीक्यूटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस. अब इसमें कुछ है चैलेंजेस. क्या चैलेंजेस है कि अब ब्रह्मोस सिर्फ इंडिया तो नहीं बनाता है, रशिया मिलकर बनाता है, और रशिया किसका राइवल है, यूएस का राइवल है. तो यूएस का जो काट्सा एक्ट है, काट्सा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट. ये काट्सा एक्ट क्या होता है भाई, काफी बार आपने न्यूज में सुना होगा, ये काट्सा एक्ट ये होता है कि यूएस के जो एडवर्सरीज, मतलब जिनसे यूएस की नहीं बनती, ठीक है, तो यूएस कहता है कि देखो जो हमारे, जिनसे हमारी अच्छी नहीं बनती, जो हमारे फ्रेंड्स नहीं है, उनसे अगर कोई ट्रेड करेगा या कोई भी सामान खरीदेगा तो उन पे लगा दिया जाएगा सैंक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल S-400 जो है रशिया का, वो खरीदा चाइना ने तो यूएस ने उस पर सैंक्शन लगा दिया. देखो, टर्की एंड चाइना हैव बीन पीनलाइज अंडर काट्सा फॉर परचेजिंग S-400. तो S-400 खरीदने पे उन पे लग गया सैंक्शन, बट ब्रह्मोस भी तो रशिया बनाता है कहीं ना कहीं. हाँ जी हाँ जी, ओके. तो द आइडिया इज कि क्या यूएस सैंक्शन लगाएगा फिलीपींस पे कि फिलीपींस आप रशिया की चीज कैसे खरीद रहे हो. क्यों, क्योंकि जो एनपीओ है ना, ये एनपीओएम, जैसे हमारे डीआरडीओ है और रशिया की एनपीओएम है, एनपीओएम यूएस की लिस्ट में है अंडर काट्सा. काट्सा के अंडर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी लिस्ट दी गई है कि इससे कोई भी ट्रेड करेगा तो उस पर लगेगा सैंक्शन. ठीक है, और एनपीओएम उस लिस्ट में. अच्छा, अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएस इज यूएस, उनको उनका जिस पे मन करे सैंक्शन लगाए, जिस पे मन करे ना लगाए. क्यों भाई, बिकॉज फिलीपींस क्यों ले रहा है ब्रह्मोस. यूएस को समझ आएगा कि फिलीपींस चाइना को ही तो काउंटर करने के लिए ले रहा है, और अगर चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस ब्रह्मोस ले रहा है तो यूएस हो सकता है ना लगाए सैंक्शन. ठीक, तो ये हो गया वन चैलेंज विच कैन बी ओवरकम्ड. ओके ओके, ठीक है. नहीं, हमने जो S-400 खरीदा है ना रशिया से, प्रशांत, हमने जो S-400 खरीदा रशिया से, हम पे सैंक्शन नहीं लगाया यूएस ने, क्योंकि हमारे यूएस के साथ रिलेशन अच्छे हैं और यूएस को भी पता है कि इंडिया क्यों खरीद रहा है S-400, चाइना को काउंटर करने के लिए, तो हम पे नहीं लगाया है सैंक्शन.
एंड अनदर थिंग इज, अगर हम आगे चले, सेकेंड चैलेंज ये है, ब्रह्मोस इंक्लूडिंग मोबाइल कमांड. अब ब्रह्मोस जो है, अब ये तो नहीं है कि सिर्फ एक मिसाइल जाके दे देंगे रशिया को, ये लो जी आपके मिसाइल, ऐसा तो नहीं होगा. अब ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ना बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि उसका मोबाइल कमांड पोस्ट होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कहाँ से उसका लॉन्च होगा. ठीक है, उसकी फोर मिसाइल्स का एक लॉन्चर व्हीकल होता है, जो लॉन्चर व्हीकल सेट होता है किसी एयरक्राफ्ट पे या सबमरीन पे, उसका एक लॉन्चर व्हीकल भी तो होगा ना, ओके, जो उसको लॉन्च करेगा. उसके मिसाइल कैरियर्स होते हैं, एक 90 मिसाइल्स का सेट होता है. तो पूरा मिला जुला के जो टोटल इक्विपमेंट होता है अलॉन्ग विद द मिसाइल, मिसाइल को मिला के सारा टोटल इक्विपमेंट कितने का है? 2000 करोड़ का है. दैट इज $275.77 मिलियन. इतना कॉस्ट है पूरे वन पैकेज ऑफ ब्रह्मोस की. अब फिलीपींस के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, हाँ, फिलीपींस के पास इतना पैसा नहीं है. तो इंडिया कह रहा है कि भाई आप खरीदो तो सही, हम आपको पैसे भी दे देंगे. तो इंडिया इज, व्हाट इंडिया हैज डन इज, द हाई कॉस्ट ऑफ ब्रह्मोस हैज बीन अ मेजर हर्डल इन मूविंग फॉरवर्ड टू रीच अ डील. क्योंकि एक हर्डल था, फिलीपींस कह रहे हमारे पास पैसा नहीं, हम कहते कोई बात नहीं, हम दे देते हैं. तो इंडिया हैज ऑफर्ड $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू फिलीपींस, कि भैया आप लाइन ऑफ क्रेडिट लो, लेकिन आप ब्रह्मोस लो साथ में, ठीक है, ओके. तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है और लोन क्या होता है? यस, लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में क्या डिफरेंस है, ये भी साथ में समझ लेते हैं. एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट कि हमने किसी कंट्री को दिया लाइन ऑफ क्रेडिट, एक होता है कि हमने दिया लोन. जैसे कि मैंने, मान लेते हैं, मतलब इंडिया ने 100 करोड़ का लोन दिया है बांग्लादेश को, मान लेते हैं. तो बांग्लादेश, आपने हमसे 100 करोड़ लिया, नहीं, बांग्लादेश आपने हमसे 100 करोड़ लिया, तो जब से आपने 100 करोड़ लिया, तो अब जब आप, जब तक आप वापस नहीं कर देते, उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा. कोई भी आप लोन देते हो तो उस पर इंटरेस्ट के साथ ही वापस लेते हो ना. तो जब से आपका लोन सैंक्शन हुआ, तब से उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू. अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट में मान लेते हैं हमने फिलीपींस को दिया 100 करोड़. हमने कहा कि 100 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट है. अब इसमें इट इज अपॉन फिलीपींस कि वो उसमें से 20 करोड़ यूज करे, 30 करोड़ यूज करे, कैसे कैसे. मतलब ये एक ऐसा बैग दे दिया है, उसमें से आप जितना जितना यूज करते जाओगे, उतने उतने पे लोन लगता जाएगा. कि मान लेते हैं फिलीपींस ने पहले 20 करोड़ यूज किया, तो जब इंटरेस्ट लगेगा वो 20 करोड़ पे लगेगा. फिर 6 महीने बाद फिलीपींस ने 50 करोड़ और ले लिया, फिर उस 20+50 पे लगना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड लोन, ठीक है. यस यस श्रीपद, करेक्ट, ठीक. सो दिस इज हाउ इट गोज. तो फिलीपींस इज, तो ये दूसरा चैलेंज था, और दूसरा चैलेंज भी और कम हो सकता है. कि पहला चैलेंज कि यूएस काटसा ना लगाए, दूसरा चैलेंज कि फिलीपींस खरीद ले लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ, तब तो सब कुछ विन विन हो जाएगा. तो फिलीपींस इज प्लानिंग टू परचेज जस्ट वन बैटरी ऑफ ब्रह्मोस कंसिस्टिंग ऑफ 3 मिसाइल लॉन्चर विथ 2 to 3 मिसाइल ट्यूब्स. फिलीपींस कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हम ये पूरा जो पैकेज है वो खरीदे, 90 मिसाइल्स की जगह कुछ कम खरीद लेंगे, ठीक है. अगर 4 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल्स है तो हम 2 ही मिसाइल लॉन्चर खरीद लेंगे, ऐसा कर लेंगे, कॉस्ट थोड़ी नीचे आ जाएगी. तो कंक्लूजन इज, इफ दिस हैपेंस, इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी हैप्पी कि चलो हम, शुक्र है, कुछ तो हम डिफेंस एक्सपोर्टर बने, और हमारा जो टारगेट है 2025 तक का, उसका कुछ पार्ट विल बी कंप्लीटेड, ठीक. चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. अच्छा, ये आसियान का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि विच आर द आसियान कंट्रीज, एक बार देख लो, आसियान नेशंस आपके लिए इजी रहेगा. म्यांमार, थाईलैंड, ठीक, कंबोडिया, ये आपका कंबोडिया है छोटा सा, ठीक है. यहाँ आप देख रहे हो ये वाला जो है, दिस इज लाओस, ठीक है, फोर्थ इज लाओस, ओके, लाओस हो जाएगा. फिर ये पतला सा साइड में जो दिख रहा है, दैट इज वियतनाम, राइट. नीचे आओ, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, देन यू हैव मलेशिया, देन यू हैव फिलीपींस, एंड ब्रुने दारुसलाम. ब्रुने दारुसलाम इज पार्ट ऑफ आसियान. नहीं, आदिल, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, ये तो मैं बता रही हूं ना. ये देखो, इंडिया हैज ऑफर्ड $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, नॉट लोन, ठीक है. हाँ जी,
तो ये हो गई बात आसियान नेशंस की. आगे चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पे, लुकिंग बियॉन्ड प्राइवेटाइजेशन. करेक्ट मिस्टर ताक. रिसेंटली क्या हुआ है, इन रिसेंट बजट द यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस इज इंटेंट टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है, प्राइवेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे. अब इसका काफी ज्यादा ऑपोजिशन हुआ है कि क्यों भाई ऐसा लगता है आपको कि प्राइवेट प्राइवेट बैंक अच्छे से काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छे से काम नहीं करते. इसके पीछे यही थिंकिंग है ना कि तभी आप प्राइवेटाइज कर रहे हो. ओके, सो वाइल इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी हैज बीन साइटेड एज द रीजन, कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए रीजन दिया कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं. इट इज नॉट क्लियर, जरूरी नहीं है वेदर प्राइवेटाइजेशन ब्रिंग्स एफिशिएंसी और रिड्यूसेस एसोसिएशन रिस्क. ठीक है, बैंक्स की नेशनलाइजेशन की अब राइटर बात करते हैं. बैंक्स नेशनलाइजेशन कब हुआ था, इफ यू गो बैक, इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था. सॉरी, तो बैंक्स नेशनलाइजेशन अशर्ड इन अ रेवोल्यूशन ऑफ इंडियाज बैंकिंग. एक्चुअली क्या था पहले, जब नेशनलाइजेशन से पहले, ये देखो यहां पे पढ़ो, बिफोर नेशनलाइजेशन बारिंग SBI मोस्ट बैंक्स वर प्राइवेट. जब तक नेशनलाइजेशन नहीं हुआ, SBI को छोड़ के बाकी मोस्ट बैंक्स जो थे वो प्राइवेट बैंक्स थे. ठीक है, अब प्राइवेट बैंक्स किसको पैसा देंगे, प्राइवेट बैंक्स क्या फार्मर को पैसा देंगे उस टाइम पे, सोचो. वो तो नहीं देते थे, वो सिर्फ जो रिच रिच पीपल हैं, पावरफुल पीपल हैं, उनको पैसा देते थे ताकि वहां से इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस आए. बिकॉज प्राइवेट बैंक्स हैड दिस थिंकिंग कि अगर हम फार्मर्स या फिर उन लोगों को पैसा देंगे जो वापस नहीं कर सकते, तो डिफॉल्ट होने का केस ज़्यादा है. अब इंदिरा गांधी को लगा कि भैया ये तो ऐसा सही नहीं है, दिस इज इनइक्वालिटी, बिकॉज सबको लोन मिलना चाहिए, बैंक सबके लिए होने चाहिए. तो नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया 1969 में, फॉलोड बाय 6 मोर इन 1980. 6 और को नेशनलाइज किया गया 1980 में. ट्रांसफॉर्म्ड द बैंकिंग सेक्टर, क्रिएटिंग जॉब, एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड बेनिफिटेड द पुअर. एग्रीकल्चर सेक्टर और जिनको पहले लोन नहीं मिलता था उनको लोन मिलने लगा, उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे लाया जाने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि एग्रीकल्चर हो गया या फिर एरियाज दैट हैड बीन निग्लेक्टेड, जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या एजुकेशन पे बेस्ड कुछ स्कूल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लोन मिलने लगा. ठीक है, यस 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 करेक्ट. गाइज जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देखती हूँ. ओके, डाउट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, तो प्लीज बिल्कुल परेशान मत हो आप लोग. ओके, तो एरियाज दैट हैड सो फार बीन निग्लेक्टेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड एक्टिविटीज, पॉवर्टी एंड एलिवेशन प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडियम इंडस्ट्री, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री, इन सबको लोन मिलने लगा. ये आ गए प्रायोरिटी सेक्टर पे. प्रायोरिटी सेक्टर पे क्यों आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला कि यू हैव टू पुट सम ऑफ द सेक्टर्स ऑन प्रायोरिटी सेक्टर्स. ठीक है, ठीक है. फिर द मूव ऑल्सो हेल्प इन प्रमोटिंग मोर इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ. इक्विटेबल रीजनल ग्रोथ का क्या मतलब है, कि पहले बैंक्स जो है ना सिर्फ मेट्रो सिटीज में ही होते थे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलप्ड एरियाज है वहाँ होते थे, बट उसके बाद ज़्यादा कवरेज हो गया बैंक्स का, ज़्यादा हर जगह ब्रांचेस, बैंक्स की ब्रांचेस खुलने लगी. देर वर ओनली 1833 बैंक ब्रांचेस इन रूरल एरियाज इन 1969, और ये ब्रांचेस सोचो 1800 से इंक्रीज हो गए 33,000 ब्रांचेस हो गई बाय 1995 एंड कंटिन्यू टू ग्रो ओवर द नेक्स्ट डेकेड. ओके, हाँ जी. तो नेशनलाइज बैंकिंग इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हुई, स्टेट इंश्योर्ड हायर वेजेस, सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज, और काफी सारे बेनिफिट्स देखने को मिले नेशनलाइजेशन के बाद. क्योंकि इस आर्टिकल में राइटर काउंटर कर रहे हैं इस बात को कि प्राइवेटाइजेशन जो है ऐसा नहीं है कि पेनेसिया ऑफ ऑल इल्स कहा जाता है ना, पेनेसिया ऑफ ऑल इल्स मतलब कि ये कर दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. ठीक है, इसलिए राइटर कह रहे हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक से काफी फायदे हुए हमें. अब एज एन इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर व्हीकल्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारे मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे आप SBI ले लेते हो, ठीक है, बाकी जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो ले लेते हो, तो दे हैव बिकम द ट्रस्टीज ऑफ पीपल. क्योंकि लोग पता है आज भी ये चीज सोचते हैं कि नहीं भाई प्राइवेट बैंक का कुछ पता नहीं है, कब बैंकक्रप्ट हो जाए, जैसे अभी येस बैंक का केस हुआ. ठीक है, फिर और भी कुछ प्राइवेट बैंक्स का केस हुआ, राइट. तो प्राइवेट बैंक का कुछ पता नहीं है कि कब बैंकक्रप्ट हो जाए, इसलिए लेट्स
रिलाई ऑन गवर्नमेंट बैंक्स, तभी इतने टाइम बाद भी लोगों का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है SBI पे. ओके, सो PSBs प्लेड अ ह्यूज रोल इन मेकिंग कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट बाय सपोर्टिंग द ग्रीन, ब्लू एंड डेयरी रेवोल्यूशन. जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, इसमें बैंक्स ने सपोर्ट किया. तो बैंक्स का एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने में भी काफी रोल रहा है, ये राइटर कह रहे हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आर करंटली अर्निंग कंसिडरेबल प्रॉफिट्स. ये नंबर्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. यहाँ कहा जा रहा है कि वाई इज देन गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग PSBs स्टार्विंग देम ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल. कि गवर्नमेंट को अगर ये सब चीजें पता ही है ना, गवर्नमेंट को पता है कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं नेशनलाइज बैंक्स के, ओके, तो क्यों प्राइवेटाइजेशन करिए गवर्नमेंट. प्लेसिंग सच अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट इन हैंड्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस. क्योंकि अब बैंक्स में सरकारी नौकरियां हैं और प्रॉपर इतना वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस हैं, ओके, इन सबको आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में दे दोगे या कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के हाथ में दे दोगे, तो राइटर कह रहे हैं तो इट मे टर्न आउट टू बी इरेशनल. इसके पीछे प्रॉपर बैकिंग होनी चाहिए, प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए कि क्या एक्चुअली एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, या फिर जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ही अगर रैशनलाइज कर दे. अगर आप देखो, इसका एक और भी सोल्यूशन है ना, खुद सोचो कि जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें हम कुछ कॉरपोरेट वाले मेथड्स ले आए, जैसे कि उनको टारगेट्स दिए जाएं प्रॉपर, ठीक है, और उनमें जो लोन्स हैं उनको इजीली राइट ऑफ करना अलाउ ना किया जाए. राइट ऑफ क्या होता है कि अपनी, अगर आपने बैंक स्टेटमेंट सही दिखानी है कि हमारे बैंक में कितने लोन्स आए, कितने गए और कितने लोन्स वापस आए, ठीक है, तो राइट ऑफ इज कि जो लोन्स NPA हो चुके हैं, मतलब जो लोन्स हमारे पास वापस नहीं आ रहे उनको हम अपनी स्टेटमेंट में, बैंक की स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, वो होता है लोन को राइट ऑफ करना, ठीक है जी. अच्छा, तो आइडिया इज इफ यू कैन स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो, ओके, और प्रॉपर क्वालिफिकेशन बेस्ड रिक्रूटमेंट हो, वो तो वैसे होता ही है, एग्जाम्स होते हैं बैंक्स के, IBPS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, राइट. तो राइटर फोकस करें इस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने पे दैन प्राइवेटाइजिंग. फर्दर मोर इन कंटेक्स्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड एफिशिएंसी, इट इज अनफेयर टू ब्लेम PSBs अलोन फॉर अलार्मिंग राइज. कि सिर्फ आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को NPS के राइज के लिए नहीं ब्लेम कर सकते. ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि क्यों आप कह रहे हो सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रॉब्लम है NPS की. क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का टोटल अगर हम निकालें तो लगभग 12% जो लोन है वो NPA हो चुका है और प्राइवेट सेक्टर का कम है. लेकिन आप इन सब बातों में ये भूल जाते हो कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम्स के लिए बेनिफिट कौन दे रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक दे रहा है. गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर आपने पब्लिक सेक्टर बैंक के को बोला कि जनधन योजना के अकाउंट्स आप खुलवाओ, ठीक है, या फिर मिड डे मील के लिए जो वो जा रही है, सब्सिडीज जा रही है, जो बेनिफिट्स जा रहे हैं, ठीक है, वो आप दो. तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी तो यही पब्लिक सेक्टर बैंक्स चला रहे हैं. जब जनधन योजना में या कुछ ऐसी स्कीम्स में ये लोग पैसा लगा रहे हैं और इनको टारगेट्स दिए जाते हैं कि आपने इतने अकाउंट्स खुलवाने हैं, अब उनमें से कुछ NPA हो जा रहा है अगर, तो क्या वो बैंक की गलती है? नहीं, ओके, तो ये एक फैक्टर है. तो दिस मस्ट इंक्लूड कि फोकस होना चाहिए स्ट्रांग रिकवरी लॉस पे, कि आपके रिकवरी लॉस स्ट्रांग हो, कि आप लोन को अच्छे से रिकवर कर पाओ. अगर कोई लोन नहीं वापस कर रहा है तो क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स. विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब वो डिफॉल्टर्स जो वापस कर सकते हैं लोन फिर भी वापस नहीं कर रहे, ओके. सो फार गवर्नमेंट हैज नॉट एग्जिबिटेड अ फर्म विलिंगनेस टू इम्प्लीमेंट दिस मेजर्स. कि पहले आप ये सब मेजर्स को एक्सप्लोर कर लो, प्रॉपर लॉज बनाओ, स्ट्रिंजेंट लॉज. जो लोग वापस नहीं कर रहे उनका आप एसेट्स को वो कर लो, जब्त करना जिसको कहते हैं, ठीक है, ओके. जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आई गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो लोग नहीं पैसा वापस कर रहे उनके एसेट्स को आप प्रोक्योर करो और उसको मार्केट में बेचो. पहले ऐसी चीजों को आप कर लो, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन की बात करना. दिस इज वॉट इज बींग सेड, ओके. सो दिस हैज नॉट ओनली अफेक्टेड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक बट हैज ऑल्सो बिकम एक्सक्यूज टू एलिज इनएफिशिएंसी. So there is an urgent need to bring sustainable statutory framework to consider willful defaults. Okay, कि willful defaulters को focus करना और banks को strengthen करना करने की urgent need है than privatization. Privatization of PSBs is not definitive panacea. वही चीज कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा जरूरी नहीं है. Okay. आदिल, हाँ जी.
मेरे आइडिया में, मतलब व्हाट डू आई थिंक, कि अगर आपको इतना ही लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो अब जो प्राइवेट सेक्टर वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उनके जो काम करने के तरीके हैं, वो आप अडॉप्ट कर लो, वो आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर में जैसे उनको टारगेट्स दिए जाते हैं और जितने स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं, उनकी प्रॉपर एप्स और सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ बहुत ही रिफाइंड मैनर में होता है, वो पब्लिक सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना जरूरी है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन. थर्ड आर्टिकल है, सिंपल आर्टिकल है, इसमें कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकल के आते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं. नाउ इट टॉक्स अबाउट कि आरबीआई आज तक किस पे काम कर रहा है. पेनेसिया मिस्टर स्टार्क, पेनेसिया मीन, दिस इज अ फ्रेज, पेनेसिया ऑफ ऑल इल्स, दैट मीन्स इट इज अ, जैसे कहते हैं ना, इट इज अ क्योर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, ठीक है? हर चीज को, हर चीज की दवा जिसको कहा जाता है, ठीक है? ओके, सो री इवैल्यूएटिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इन्फ्लेशन टारगेटिंग सबसे पहले होता क्या है? इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, यस यस करेक्ट 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 एब्सोल्युटली करेक्ट. तो सेंट्रल बैंक जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, वो इस बेसिस पे निकालता है कि जो प्राइस लेवल्स हैं और जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके. दिस वॉज द फोकस ऑफ सेंट्रल बैंक आफ्टर आई थिंक 2016. ओके, सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग अगर इज अ सेंट्रल बैंक स्ट्रैटेजी ऑफ स्पेसिफाइंग एन इन्फ्लेशन रेट एज अ गोल एंड एडजस्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव दैट. कि अगर आपको बोलना है कि 2% से 6% के बीच ही रहे हमारी इन्फ्लेशन, उस बेसिस पे आप अपना रेपो रेट बढ़ाओगे या घटाओगे. ओके ओके, सो दिस इज वन थिंग. सो एज अ अग्रीमेंट फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग बिटवीन सेंटर, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था आरबीआई को कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करो, उसके बाद से आरबीआई ने शुरू किया. ओके, सो इट हैज बीन नोटेड दैट आरबीआई हैज सक्सीडेड इन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड इन्फ्लेशन रेट हैज रिमेन्ड विद इन द बैंड ऑफ 2 to 6% सिंस 2016. दो से 6% के बीच में मेंटेन कर पाया है आरबीआई क्या? इन्फ्लेशन लेवल्स, ठीक है? इन्फ्लेशन लेवल्स क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? पहली बात तो क्यों हमें इन्फ्लेशन को टारगेट करने की जरूरत है? व्हाई शुड इन्फ्लेशन लेवल्स नॉट इंक्रीज? बिकॉज इन्फ्लेशन लेवल इंक्रीज होने का क्या मतलब है? कि आज मुझे जो चीज 50 रुपए की मिल रही है, वो मुझे अगर कल 70 रुपए की मिल रही है, 70 रुपीज की, तो द कमोडिटी इज सेम, है ना? वो सेम ही कमोडिटी है, सेम ही चीज है जो मुझे 50 की मिल रही है और कल 70 की मिलेगी. ओके, सो दिस इंक्रीजेस इन प्राइस लेवल इज द इन्फ्लेशन, ठीक है? ये जो 20 रुपए का इंक्रीज हुआ है, दिस इज द इन्फ्लेशन. ओके, क्योंकि उतनी ही चीज ज्यादा पैसे देके मिल रही है. ओके, तो अगर हम जीडीपी निकालेंगे, व्हेन वी विल फाइंड आउट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें अगर हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस निकालेंगे, तो वो मेरी वैल्यू ज्यादा आएगी. हो सकता है उतने ही गुड्स सर्विस प्रोड्यूस हुए हों, जैसे अगर मैं 2 साल का कंपेयर करूँ, लेट्स से आई कंपेयर फॉर 2019 एंड 2020, ओके, इसमें ही 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं और इसमें भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, लेकिन जब 2020 में प्रोड्यूस हुई तो उसका महंगाई तब तक बढ़ चुकी थी, तो जीडीपी की वैल्यू मेरे पास ज्यादा आएगी, जबकि असल में इन रियलिटी द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विल बी सेम. समझ आया आपको? समझ आया ये चीज कि इन्फ्लेशन को क्यों टारगेट किया जाता है? Srikutan, if inflation rate increases, Srikutan is asking कि अगर inflation rate increase होता है, तो repo rate और bank rate पे क्या effect होगा? If government, अगर Srikutan, your answer, if RBI is focusing on inflation targeting, तो repo rate को बढ़ा दिया जाएगा अगर inflation increase हो रही है. Repo rate को बढ़ाने से क्या मतलब है? कि हमें loan महंगा मिलेगा, loan will be costly, and if loan will be costly, lesser people will take loan, and if lesser people will take loan, there will be less money in the market. ठीक है, ये पूरा cycle चलता है. अगर मुझे inflation, महंगाई कम करनी है, तो repo rate high, इससे loan का interest rate, bank से जो मुझे loan लेना है उसका interest rate high, तो फिर I will take less loans, and if I will take less loans, तो फिर less money in the market, if less money in the market,
तो मेरी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी. इफ माई परचेजिंग कैपेसिटी इज रिड्यूसिंग, तो अपने आप से डिमांड लोगों की, मेरी क्या, सबकी परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हुई तो अपने आप प्राइस लेवल आ जाएगा नीचे. यस यस करेक्ट. फिर यही कहा जा रहा है इस पूरे आर्टिकल में कि ग्लोबली इन्फ्लेशन टारगेटिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन 1970s, और उसके बाद से काफ़ी सारी कंट्रीज इन्फ्लेशन टारगेटिंग को यूज़ करती आई है. यहाँ पे अभी जो मैंने आपको समझाया जीडीपी वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, दिस इज बीइंग सेड दैट इकोनॉमिक मॉडल ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिवॉल्व्स अराउंड प्रोपोजिशन दैट इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी. इन्फ्लेशन बताती है कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं इकोनॉमी में. ओके when compared to the natural rate of interest, thus to cure inflation interest rate set by bank in India also known as repo rate. मतलब ज़्यादा महंगाई ना बढ़ जाए उससे डील करने के लिए बैंक जो है रेपो रेट बढ़ाता है या घटाता है. दिस इज बींग सेड. हाँ तो दिस इज करेक्ट करेक्ट. तो इन्फ्लेशन इन इंडिया को अगर हम देखें तो इट हैज फॉलन स्टेडिली. 2011 से स्टेडी डिक्रीज हुआ है इन्फ्लेशन में और हाफ तक आ गई 2015-16 में. तो इन्फ्लेशन हैज फॉलन स्टेडली, दस सजेस्टिंग दैट देर आर अदर मैकेनिजम्स ड्राइविंग इन्फ्लेशन. सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग से ही महंगाई नीचे नहीं आ रही है, बाकी भी मैकेनिजम्स काम कर रहे हैं. दिस इज बीइंग सेड. अच्छा फिर व्हाट एल्स राइटर यहाँ कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ना गलत अज्यूम कर रही है, कि गलत अज्यूम कर रही है कि अगर हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा. नहीं, इट मे बी अज्यूम्ड दैट इन्फ्लेशन टारगेटिंग हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर ग्रोथ, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, NPAs और ये सब, इसको आप अज्यूम कर सकते हो कि इन्फ्लेशन कम रहेगी तो इन सब के लिए बेटर रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं है अगर हम पास के रिकॉर्ड्स उठा के देखें तो. इन रियालिटी द इकोनॉमीज ट्रेंड रेट बिगैन टू डिक्लाइन. इकोनॉमी का जो रेट है वो कहीं ना कहीं नीचे आता दिख रहा है 2010-11 से. ओके फॉर इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग हैज़ बीन हार्मफुल इन्वेस्टमेंट के लिए. Swing in real interest rate of over 5% points in 2013-14 was powered further in 2016. तो घुमा फिरा के यही बात की जा रही है कि जो RBI है उसको सिर्फ और सिर्फ inflation पे focus करने से अच्छा और चीज़ों पे focus करना चाहिए कि NPA को कैसे deal किया जाए. ठीक है, National non-performing assets को कैसे deal किया जाए. जैसे ILFN crisis हो गया, ILFS क्राइसिस की, इन्होंने बहुत सारा लोन लोगों को दे दिया था, लोग लोन वापस नहीं कर पाए और ये क्राइसिस हो गया इस कंपनी का. PMC बैंक का क्राइसिस हो गया, फिर PNB बैंक का क्राइसिस हो गया, येस बैंक का क्राइसिस हो गया. ज़्यादा ज़्यादा लोन लोगों को दे दिए, फिर लोग डिफॉल्टर बन जाते हैं और बैंक जाता है, बैंक्रप्ट हो जाता है. अब बैंक जब बैंक्रप्ट हो रहा है तो पैसा किसका जा रहा है? कॉमन पीपल का. आपने लोन तो दे दिया, जब वो लोन वापस नहीं आया तो रियल लॉस किसका है? कॉमन पीपल का. So, these cases suggest that poor management and malfeasance in financial sector could escape scrutiny when central bank is concentrated on inflation targeting. मतलब अगर central bank सिर्फ और सिर्फ inflation targeting पे concentrate कर रहा है तो इन सब चीज़ों की जो problems हो रही है, जो poor management है loans की, ठीक है, financial sector में proper norms based loans नहीं दिए जा रहे, ठीक है, proper वापस लाने का या फिर loan को वापस आने के लिए, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, इन सब चीज़ों का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो वो चीज़ ओवर पावर हो जाती है. ओके नो, बैंक रेट इज नॉट सिनोनिमस विद रेपो रेट. बैंक रेट इज मिनिमम रेट कि उससे कम बैंक्स, उस रेट से कम बैंक्स जो है लोगों को लोन्स नहीं दे सकते. ओके तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हैज़ टू बी डन, बट देर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस, कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इन्फ्लेशन पॉलिसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग हैज़ वर्क्ड इन इंडिया. Assuming that decline in inflation in India is due to inflation targeting is contrary to acknowledging the variation in food prices as major source of inflation. मतलब अगर हम ये बस अज्यूम करके बैठ जाएंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर दो तो महंगाई कम रहेगी और महंगाई कम रहेगी तो लोग खुश रहेंगे, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलना पड़ता है. ओके श्रीकुतन, That is completely two different things. ठीक है, तो we should not relate that, I would say. Right, this is where we complete today's discussion. आपको जो भी queries हैं, जो भी doubts हैं, आप लोग पूछ लो. ठीक है, Shrikutan, you got my point, right? People, same happened in Great Depression. Yes, 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 yes. जो Great Depression हुआ था 1929-30 का, उस time हुआ ही रही था कि बहुत कम
इंटरेस्ट रेट्स थे और बहुत ज्यादा डिफॉल्टर्स हो गए थे, लोन डिफॉल्टर्स बहुत ज्यादा हो गए थे, ठीक है। या तो रेपो रेट, तो बेसिकली रेपो रेट का फंडा इज रिलेटेड टू आरबीआई एंड बैंक्स, यानी कि जब बैंक्स को लोन लेना होता है आरबीआई से, शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स ने लोन लेना है आरबीआई से, तो बैंक्स क्या देते हैं, अपने सिक्योरिटीज रखवा के आरबीआई के पास कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं आरबीआई से। तो किस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेते हैं उसको हम रेपो रेट कहते हैं। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक। तो दिस वॉज अबाउट टूडेज डिस्कशन। रिवर्स रेपो ये है, जैसे अभी मैंने रेपो बताया, रेपो रेट में बैंक्स ले रहे हैं लोन आरबीआई से, रिवर्स रेपो में क्या होगा, रिवर्स रेपो में आरबीआई विल टेक लोन फ्रॉम बैंक्स, आरबीआई लोन लेता है बैंक से, ठीक है, और आरबीआई कुछ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स के पास रखवाता है। तो रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम होता है, ऑलवेज मार्क माई वर्ड्स, जो रिवर्स रेपो रेट होता है इट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट, बिकॉज आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे लोन लेता है और जब उसको बैंक्स को लोन देना होता है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देता है। ऑलराइट, बोलगिन खोंगसाई, बिकॉज प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर फॉर कोर्सेज, फॉर ऑल द कोर्स क्वेरीज यू हैव, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट विच इफ दैट कोर्स इज ऑफर्ड और नॉट, ठीक। प्राइवेटाइजेशन, अभिषेक, प्राइवेटाइजेशन का मतलब बस यही है कि जो आज गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एसेट है, मतलब गवर्नमेंट का कोई बैंक है मान लो, ठीक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट ओनर है इस बैंक ऑफ इंडिया की, तो इस बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स को अगर बेच दिया जाएगा किसी प्राइवेट प्लेयर को, ठीक है, किसी प्राइवेट पार्टी को, तो उसका शेयर्स, उसका ओनर हो जाएगा प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, तो ये प्राइवेटाइजेशन हो गया बस। केतकी नहीं, स्मरिका एक इनफ नहीं है, हाँ जी केतकी, व्हाट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, अभी मैंने बताया था लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, जैसे इंडिया अगर फिलीपींस को लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, इंडिया इज गिविंग लाइन ऑफ क्रेडिट टू फिलीपीन, लेट्स से 100 करोड़, इंडिया ने बताया कि हम आपको 100 करोड़ दे सकते हैं, अब इट इज अपॉन फिलीपींस कि वो उस 100 करोड़ की लिमिट में से कितना यूज करना चाहे, इट वॉन्ट्स टू यूज 20, इट वॉन्ट्स टू यूज 50, इट वॉन्ट्स टू यूज 60, इट इज अपॉन फिलीपींस, तो जितना भी फिलीपींस यूज करेगा उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा, नॉट ऑन टोटल 100 करोड़, दिस इज लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक केत की, या ओके। विद दिस वी कंप्लीट टुडे सेशन, दीज आर द ऑनगोइंग कोर्सेज एट ग्रेड अप, IAS 2021, 2022 और EPFO का रिविजन कोर्स। इफ यू हैव कैन एनी क्वेरीज कोर्स से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, एंड इफ यू हैवंट टेकन ग्रेड अप सुपर येट, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, इसमें आपको लाइव कोर्सेज, मॉक टेस्ट, PDF, प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी एक ही सब्सक्रिप्शन के अंडर मिल जाता है। हाउ डू यू टेक इट, सिंपली ऐप पे जाओ, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करो, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स और 24 मंथ्स, और उसी बेसिस पे यू कैन टेक अप ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मीट मी टुमारो एट 12 PM विद फ्यू न्यू इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।